फ्रेश मॉर्निंग के साथ ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि छत से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज तो धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा है छत में और अच्छा भी लग रहा है। हम आए थे यहाँ पे डॉग को देखने के लिए पास के फ्लैट में, तो बाहर ही है, लग तो रहा है कि वो घर पे ही नहीं है वो लोग, पता नहीं। अभी चलो देखते हैं, कुल्फी को भी लेके आए, कुल्फी इतना बदमाशी कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है, वो बच्चा जो है वो सुबह से ऐसे ही अटक के रखा हुआ है इसको, तो आई होप कि उसको बहुत भूख लग गया है एक तो बार बार से जाके। और कुल्फी को ना अगर धूप हो तो वो नहीं दौड़ेगी, उसको कीड़ा सी बात है, मैं धूप में नहीं दौड़ूंगी, ऐसे हवा हवा होगा तो दौड़ लगाएगी। चलो चलो, दो बार दौड़ के हो गया, चलो अभी। कुल्फी ना बहुत गंदा हो चुका है और रीतो है पे जाके देख रहा है। अच्छे वही पे है, देखो कैसे बाहर में देख रहा है कि कोई इसको हेल्प कर दे। अच्छा, और ये क्या पे कर रहा है, गैस का सेटिंग बिटिंग और किचन का हालत थोड़ा सा खराब है क्योंकि ये भी अभी तक सेटिंग नहीं हुआ, और ये आया था बर्नर कल, तो इसको इसका जो पाइप है हमें तो लगाना नहीं आता, तो सुबह सुबह जाके इसको लगा के ले आया। और अभी लगी नहीं आया अभी तक, ये बोला कि रेगुलेटर इसको लगाना आता है तो लगा दिया, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है मुझे। ठीक ठाक से हो गया, शाबाश मेरा दिकड़ा। पूजा दिए भगवान को, फूल और मीठा ये सब देके मेरा पूजा देना हो गया। और कल रात को हम लोग रात में खाना नहीं खाया, भूख भी लग गया, कुछ भी अभी तक नहीं मिला नसीब में। प्रिया अभी तक ही कुकिंग कर रही है, तो इधर पे मटन बन रही है और इधर पे चावल बन रही है। मटन हो गया शायद ना, चावल भी हो गया। वाह चलो अभी दे दो, मुझको भूख लग गया, जल्दी 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 ही भूख लगेगी। सही से ब्लॉग बनाओ, ये तो ब्लैक ब्लैक। एक्चुअली आज सुबह उठ के पूजा दिया और जो कल डॉग के बारे में बोला था उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल गया, तो रिक को ना कल मैंने बोला था तो मटन खिलाऊंगी, कल तो हो नहीं पाया, तो इस आज सुबह से बोल रहा है मटन ला दो मटन ला दो। मैं तो एकदम बाजार में जाके शॉक्ड हो गया, प्रिया मुझको मटन खिलाएगी, मटन ही बना दिया। चलो ये बन जाए, मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और यहाँ पे जो डॉग था उनको तो खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि पता नहीं ये लोग घर पे है कि नहीं है, तो रिक ने किया कि इधर पे उठ के सुबह भी खाना देके गए थे और अभी भी आए हैं क्योंकि अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला था। और पता है मैंने छत से देखा, डॉग ने पूरा पागल की तरह कर रहा था खाने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो आज दोपहर का खाना वाना खा के सो गए थे, मस्त वाला घूम नींद दिया और अभी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। रिक तो निकल गए क्योंकि 8 बजे डॉक्टर आने वाले हैं, वैसे जाने के ना 30 मिनट तो लग ही जाएगी, तो देखो कितना टाइम हो चुका, 7:30 बज चुके हैं। तो जैसे जैसे रेडी होके इंट्रो करके मैं निकल रही हूँ। और कल भी मेरा मतलब नाम मैंने लिखा दिया था लेकिन इतना बारिश था ना, जा नहीं पाया, तो आज भी सेम, बाहर में बारिश तो हो नहीं रहा है लेकिन इतना बिजली हो रहा है ना, तो लग तो रहा है जब चाहे तो बारिश आ जाएगी। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है बातें करने की, जाने के टाइम आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत रात हो चुके हैं और मेरा डॉग को दिखाना भी कंप्लीट हो गया है, जितना भी अभी डांट पड़ रहा है मुझे अभी से, तो क्या ही बोलूँ, जितना बारिश भी आने वाला है लग रहा है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं, नहीं तो रिंकी के घर पे जा रहे थे, हम यहीं पे आए थे उसके घर के पास। तो चलो अभी घर पर जाके बताते हैं किस लिए मैं डॉक्टर के पास आई थी। डांटूगी वीडियो में, अभी गाड़ी चलाने में बिजी है, तो चलो घर चलते हैं। हम लोगों का ब्लॉग कल एंड नहीं किए, आते आते इतना लेट हो गया था और रात को आके बस क्या खाए थे, बॉयल आलू, हाँ। वो खा के सो गए थे,
तो इस वजह से कर नहीं पाए। और कल तो डॉक्टर के पास गए थे, तो कल मेरा सर में जो प्रॉब्लम है उस पर डॉक्टर के पास नहीं गए थे। तो मेरा कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि आँख भी मैं थोड़ा कम दूर का चीज मुझको बोलते रही पढ़ के दूध तो मैं पढ़ सकती हूँ, मगर प्रिया नहीं, मुझे एकदम से दिखाई नहीं देता था, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा कम दिखता था। तो कल मुझे लेके गया था, कल जाने का तो कोई प्लानिंग ही नहीं था, इतना बाहर इतना बारिश बारिश सा हो रहा था, थोड़ी फिर भी लेके गया। और जो चीज का हमें डर था, मुझे डर था कि मुझे मालूम ही था, मुझे मालूम ही था, डॉक्टर बोला तुम तो 5 साल से दूर का चीज नहीं देखते हो, और मोबाइल, और डॉक्टर ये भी बोला और मोबाइल घटो और मोबाइल लैपटॉप में काम करो। तो इससे मुझे अभी चश्मा लाना ही है, डॉक्टर ने बोला बहुत ज्यादा पावर आ गया है, तो जैसे हमेशा मतलब नहाने के टाइम और सोने के टाइम बात करके सारा दिन मुझे पहनना है, और डॉक्टर के पास भी और एक बार जाना भी है। तो हो चुके हैं रेडी, क्योंकि अभी हमें जाना है वो चश्मा लाने के लिए। तो लेंस मेरा प्रिया आज से दो आंख नहीं होगा, 4 आंख होगा प्रिया, इतना सुंदर सुंदर आंख देख के मैं प्यार किया, प्यार किया और ज्यादा प्यार करना खराब है मेरा नसीब। तो मुझे सच में मैं सोच रही हूँ अगर मेरा ऐसा है कि हमेशा पहनना ही होगा, तो मैं फ्यूचर में जाके सोच रही हूँ कि वो किसको किया कहते हैं लेंस, हाँ लेंस ले लूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कभी कहीं पे भी जाना हो, मेकअप वेकअप करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बोली पहले तुम चश्मा के कंफर्टेबल हो उसके बाद, यही चिंता था कि चश्मा ना दे दे, चश्मा ना दे दे, मैं 2 दिन से बोल रही थी, मगर प्रिया जो बोलती थी मुझको डाउट ही था इसका पावर आ गया आंख में। तो चलो, और इतना डार्क पड़ा ना अभी से, आप लोग जितना भी मैसेज करोगे इंस्टा पे और भी आप लोगों को आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि डार्क ज्यादा पड़ी थी। तो चलो अभी चलते हैं, चलो। तो गाइस हम पहुंच गए थे वहीं पे दुकान पे, जाके पता चला कि हम प्रेक्सेशन लाए नहीं है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाए। तो हम आ गए फिर से रूम पे और गया है अंदर लाने के लिए, अभी फिर से जाना होगा, इतना दूर चले गए थे फिर से आ गए। दिखाई भी नहीं यार देर आ रही, और पता है जब हम निकल रहे थे पार्क निकले उस टाइम पे भैया आए कि हमारा जो रैक है वो लगाने के लिए, फिर से तो हम शॉप पे चले गए थे, फिर से आए तो पता नहीं क्यों बार बार टोक रहा है, भगवान की नींद जाते हैं मैं ग्लास पहनूं ऐसा ही तो लग रहा है। तो चलो आ गए, देखते हैं जाओगी, हटो पकड़ो हटो, वीडियो करते অনলাইনে কোনটা যেন দেখছিলাম মন্ত কেমন রে, যেটা আমার পছন্দ হয়েছিল ওটাই হবে, গেট ওয়ান বাই ওয়ান কি আছে আমাদের, এটা বাচ্চাদের মনে হয়, এটা বাচ্চাদের আছে ও বাবা। तो गाइस हो गया हमारा चश्मा वगैरह सब कुछ ऑर्डर करना, और अभी हम आए थे, आए नहीं ऐसे जा रहे थे कुल्फी के लिए खिलौना लेना था, तो रिक ने बोला चलो ये चाट खाते हैं, बहुत दिन से खाए नहीं, तो ये खाने के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केटिंग करके, क्योंकि बहुत कुछ लेना था और एक चीज़ ले लिया, बाकी सब कुछ लेके रूम पे चलते हैं। हम लोग आए, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका पूरा इंटरेस्ट यहीं पे है, क्योंकि इसके लिए बॉल लाई, बाहर गया था 2 मिनट में घर आने के लिए पागल हो गया खिलौने के लिए, और ये गया है अभी बाहर वो गेट लगाने के लिए, उसके बाद इसको खिलौना मिलेगा। तो एक बार बाहर दिख रहा है वो बाहर पे डॉग को देखने के लिए गया था शायद, भी लगा देते नहीं तो कुल्फी निकल जाएगी, कुल्फी इतना गंदा हो गया है ना, बदमाश बच्चा है हमारा। तो सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट, जितना भी काम पेंडिंग था सारा कुछ, हम 1-2 दिन घर से नहीं निकलते तो बहुत काम हो जाता है, तो एक शू रख लाना बाकी था वो भी बाहर रख दिया, और जाने के टाइम देखो क्या हो गया, भैया 2 दिन से भैया को बुला रहा था तो भैया आके लगा दिया, और देखो जितना भी सामान था घर का, देखो किचन का हालत बस देख लो, इसको भी पूरा साफ किया जाएगा, और मुझे लगा कि रीक आ गया, जाओ।
तो गाइस आ गए हम घर पे। देखो फ्रेश फ्रेश होने के लिए गया था, लेकिन रिक ने बोला चलो वीडियो एंड कर दो, और वीडियो के आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ और आज ही अपलोड हो जाएगी, क्योंकि कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, थोड़ा लेट भी होगा, गाइस भी 7 बज चुके हैं, एडिटिंग करके थोड़ा सा देने में लेट तो हो जाएगा। और ग्लास भी मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि थोड़ा पावर है तो उसके लिए तो साथ में नहीं देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगी, तो बोला कि कल तक, कल या फिर परसों तक आ जाएगी मेरे पास। तो फाइनली सब कुछ सही सही हो गया, जितना बजट था रिक का, दो मैंने लिया है ग्लास, तो जितना बजट था ना उससे बहुत ज्यादा हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते। रिक ने बोला दो ले लो, क्योंकि ग्लास का बात है, कभी क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से दो ले लिया। तो चलो आज का दिन यही ऐसा ही गया, कुल्फी देख रहा है, और हाँ कल कुल्फी का बर्थडे है पता है, और अभी घर का मेरा जितना भी सब कुछ है सब कुछ ठीक ठाक करके रख देंगे, कल है कुल्फी का बर्थडे, तो अपनों के साथ ही सब कुछ करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना। तो चलो कल कुल्फी का बर्थडे का ब्लॉग लेके मिलती हूँ, है ना, तो चलो अब चलो कुछ भी तो गाइस, जिन लोगों ने मुझे विश नहीं किया जरूर से करना, मेरा कल बर्थडे है, बोल दो हैप्पी बर्थडे बोल दो। चलो गाइस बाय बाय।